बोकारो में रेलवे का निर्माणधीन अंडरपास धसा, एक मजदूर की मौत, तीन मजदूर दबने से हुए घायल। बालीडीह थाना क्षेत्र के कनारे गांव के समीप सिबुटाड़ और बुदनाडी के पास निर्माणधीन रेलवे के अंडरग्राउंड पुल धस गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि तीन मजदूर दबने से जख्मी हो गए। 30 वर्षीय मृतक मजदूर नेपाल महतो कस्मार का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक तुपकाडी से तलगढ़िया के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिस दौरान यह घटना घटी। मालूम हो कि इस अंडरग्राउंड पुल का निर्माण कार्य का ठेका कृषि इंफोटेक कंपनी को मिला है, जिसके द्वारा इस कार्य को पेटी ठेके में कोलकाता की कंपनी अडाज इंफ्राटेक को दी गई थी, जिसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। हादसा तब हुआ जब आज ढलाई के लिए रड बांधा जा रहा था, उसी दौरान सेटरिंग खिसक गया, जिसके बाद पूरा रॉड का स्ट्रक्चर मजदूरों के ऊपर जा गिरा, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में तीन मजदूर जो जख्मी हैं, उनमें रामप्रसाद महतो, संजय महतो, निरंजन महतो शामिल है। हालांकि तीनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक मजदूर के शव को निर्माण कार्य में लगे कंपनी के लोग लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन साथ काम कर रहे मजदूरों के विरोध के कारण शव को लेकर वे नहीं भाग सके, जिसके बाद सभी घायल को बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज कराया गया। वहीं मृतक के शव को अस्पताल के मर्चरी में रखवा दिया गया। घटना के बाद न तो रेलवे के अधिकारी पहुंचे और न ही आरपीएफ की पुलिस। निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखे जाने के कारण हादसा होने की बात कही जा रही है। इधर घटना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने मृतक के आश्रित को रेलवे में नौकरी तथा 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर जख्मी हुए हैं, उनकी इलाज निर्माण कार्य में लगे कंपनी करावे तथा सभी को घर चलाने के लिए पैसा भी देने का काम करे। TV 23 में लोकेशन में रेलवे डबलिंग वर्क काम कर रहा है। उन लोगों सुबह से काम कर रहा है, कम से कम 2-2.5 साल से काम कर रहा है। आज भी काम पे लग गया, सुबह हम जाके 7 बजे उसको काम पे लग गया। सभी को ठेकेदार को सब सेफ्टी बोल के हम दूसरा काम देखने के गया। 5 बजे भी ठेकेदार को फ़ोन किया, बोला सर ठीक ठाक काम चल रहा है। आफ्टर 10 मिनट फ़ोन किया, सर राड गिर गया, ऐसा थोड़ा इंजर लग गया। मैंने बोला तुरंत इमिडिएटली हॉस्पिटल में भेज, वो भेज हॉस्पिटल लेके आया। आने के बाद एक बंदा को डेथ हुआ, तीसरा को, तीन बंदा को थोड़ा राड लग गया, थोड़ा लाइट ब्लीडिंग हो रही, एक बंदा को, बाकी को थोड़ा दबा हुआ। वो उन लोगों को बोला हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दो। मैं आने के पहले उन लोग निकल गया, यही बात। जो मर गया उसका नाम क्या है सर? ठेकेदार को मालूम है, क्यों ना वो परमानेंट लेबर नहीं है। वो सर लोहा अचानक लोहा बांध रहा था पुल के अंदर में, ठीक है, दोनों साइड लोहा खड़ा था, सेफ्टी उसमें ये था, आपको बांधते हुए लोहा अचानक घूम गया, लोहा लड़का लोग नीचे बांध रहा था, ऊपर भी कुछ आदमी बांध रहा था, नीचे भी बांध रहा था, हम लोग ऊपर में बाहर में लड बैंड कर रहे थे, ऊपर तरफ लोहा बांधते बांधते अचानक पलटी मार गया। नीचे कितने लोग थे? 5-6 आदमी थे और बांध रहा था, लेके आ रहा था। कितना आदमी मरा? एक। क्या नाम है उसका? नेपाल महतो। जो घायल है कितने लोग घायल? घायल 2 आदमी घायल है। सेफ्टी का क्या व्यवस्था है? सेफ्टी का व्यवस्था सर पूरा, एक हेलमेट नहीं था वहाँ, सेफ्टी हेलमेट नहीं था। किस कंपनी का काम है? कृषि कंपनी का है। कौन कंपनी? कृषि। हाँ जी, बताइए कि उतनी बड़ी काम है, सेफ्टी का व्यवस्था नहीं है, नहीं डर लगता है आप लोग को काम करने में? डर नहीं लगता है? हम लोग सेफ्टी से काम कर रहे थे सर, अचानक हम लोग और पूरे काम किए हैं, अचानक ही हम लोग को घटना घटा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये लोग जो मरे हैं, जो घायल हैं, उनके पास सेफ्टी व्यवस्था था? नीचे बांध रहा था, नीचे बांध रहा था। हेलमेट था उनके पास? हेलमेट नहीं था। आज आपका उत्तरी क्षेत्र सिबुटाड़ और बोदनाडी के बीच में जो रेलवे द्वारा आपका एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या, बहुत बड़ी कंपनी है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो है ना काम चल रहा था और अंडरपास वाला काम चल रहा था, जिसमें जो है हमारे यहाँ खेरा चातर का एक मजदूर है जो नेपाल में, तो नाम है, लगभग उम्र उसका 30 साल है, उसका जो है, चूँकि वो पूरा जो बनाया था पुल वो पूरा गिर गया उसी के ऊपर और उसका जो है स्पॉट डेथ हो गया, वहीं पे मृत्यु हो गया, और लगभग 4-5 आदमी घायल भी है जिसका अभी जो है इलाज लोग करवा रहा है। और हम लोगों का मांग है कि उसके परिजन को रेलवे में नौकरी दिया जाए और 25 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाए, क्योंकि कंपनी निश्चित रूप से पूर्ण रूप में एकदम लापरवाही के साथ में काम कर रहा है। और रेलवे अधिकारी खास करके ये लोग जो है हर जगह
सारे ठेकेदार लोगों से पैसा लेते हैं, उगाही करते हैं, लेकिन काम किस तरह का हो रहा है, कौन मजदूर सेफ्टी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन मजदूरों को सही उसको जो है ये रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जैसे झारखंड गवर्नमेंट का जो नियम है उसका भी फॉलो नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बहुत सारा पेमेंट है, लेकिन ये सबको जो है 200, 250, 300 रुपये में काम करवाया जाता है, और ना ही हेलमेट दिया जाता है, ना जूता दिया जाता है, ना ही SI है, ना PF है, कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से ये काफ़ी लापरवाही का कारण आज जो है उस नेपाल महतो का मृत्यु हुआ, और निश्चित रूप से उसके परिजनों को 25 लाख रुपया और रेलवे में एक नौकरी का हम लोग मांग किए हुए हैं।